आपका नाम कृष्ण। कृष्ण कैसा गया पेपर? पेपर बहुत बढ़िया गया मेरा। और बेसिकली जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है एसएससी, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पैटर्न ही पूछ रहा है और कुछ भी चीज़ नई नहीं है। पैटर्न चेंज नहीं किया, जिस तरह से मतलब ये लोग जा रहे थे जीएस डाल दिया इन्होंने, इससे पहले नहीं पूछते थे, कंप्यूटर नहीं डाल दिया तो सब डाल दिया, पर पैटर्न चेंज नहीं किया इन्होंने पूछने का। नहीं, जैसे मैथ्स रीजनिंग का जो पैटर्न है टी सी सभी से पूछते आ रही है ना, पैटर्न वैसा ही है, थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकली जीएस में थोड़ा चेंज किया है, 5-7 क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाला है, बाकी सब नॉर्मल था, प्रीवियस ईयर ही था। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ऐसे बोल रहे थे कि थोड़े से टफ थे, उसको टाइम कंज्यूमिंग थे, टफ तो नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग थे बट इतने मुश्किल नहीं थे, इजी ही थे और प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड है, मतलब इतना टफ एसएससी ने पूछा नहीं है अभी तक। अच्छा, तो पिछले 5 साल के अगर हम क्वेश्चन बैंक को लेकर करें, सॉल्व करें उसे, तो वो उससे क्लियर हो जा रहा है पेपर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैंक और इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैंक इज डिफरेंट थिंग। ये क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक को क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे ना, सेटिंग एजमेंट से क्वेश्चन पूछे रीजनिंग में, वो इतना हाई लेवल नहीं था जितना कि लोग मार्केट में हवा बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन उनको लगाओ, सेटिंग एजमेंट के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा अपना अपना लेवल बढ़ाओ उन क्वेश्चनों में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो मतलब वो सही हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सारे पेपर भी निकल जाएगा। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर करो रीजनिंग के, आपके 30 में से कम भी 25-26 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए सर, वही बता रहे हैं कि प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना आप लोग ज़्यादा इधर उधर की यूट्यूब पे वीडियो देख के बेफालतू में पजल मत होइएगा कि सीट एंगेजमेंट में इतना हाई क्वेश्चन लगा लो, पजल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, एकदम बेसिक। बिल्कुल बेसिक पेपर आ रहा है, प्रीवियस ईयर अपने करो, इसके अलावा कुछ मत करो। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या? राजदीप नाम भैया। आपका नाम? प्रशांत। कैसा गया पेपर? सही गया, बढ़िया। बढ़िया पेपर गया सर, कैसे गया? अजय बढ़िया। मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि पैटर्न चेंज हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन में चेंज हो सकता है, रीजनिंग के पीओ के लेवल पे पहुंचा देंगे, ये चीजें जो हवा बज रही थी यूट्यूब पे, अब जानते ही हैं, तो वैसा तो कोई लेवल आया नहीं, सिंपल लेवल आया सर। रीजनिंग मैथ बिल्कुल सिंपल ही, कुछ एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से ठीक है, मतलब इलजाने वाले, बाकी इजी पेपर। सिटिंग मैनेजमेंट के भी इतने ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं थे कि हवाबाजी की पी ओके कर लो, ये कर लो, लेकिन हाँ टाइम जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो एक घंटा उसके लिए कम। मैथ्स के क्वेश्चन को कैट लेवल पे लेके जा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस को लेके जाने, बुक देख रहे हैं हम लोग कि कैट के लेवल क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है भाई, प्री के लेवल से भी इजी है, प्री के लेवल से भी बहुत। अब क्या बोलोगे भाई, प्री से भी इजी आ रहा है, से भी बहुत इजी पेपर है, बाकायदा कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक है तो। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन आता है, अगर जिसके पास टाइम नहीं है तो 6 महीने में करे तो निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से निकलेगा। कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन आ जाती है तो भी वहाँ पे मैटर आ जाती है। नॉर्मलाइजेशन मैटर, पहली बार कंप्यूटर आया था इस बार, तो मतलब उसमें थोड़े से बच्चे फंसे होंगे, मैंने सुना है बहुत बहुत फंसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद आइडिया नहीं लग पाया, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो मैं श्योर था, लेकिन उसके बाद मैंने गैस करके। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थोड़े से थे कि मतलब क्या कहते हैं, ट्रिकी होंगे या फिर सॉल्व करने वाले थे? बिल्कुल प्रीवियस ईयर था, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव टोन बुझ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं आया, मैंने नया देखने को नहीं मिला, कुछ नया देखने को नहीं मिला, सब प्रीवियस ईयर है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीके में थोड़े से 5-6 सवाल स्टेटमेंट कंक्लूजन के, थोड़े जीके का लेवल स्टैंडर्ड ठीक है, काफी ठीक है जीके का। सर रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ कैसे थे, मतलब लेवल ही बता रहे हैं, जरा सा भी मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते आप। जैसे क्वेश्चन बोले भीमबेट का केस ऐसे वाले, मतलब जो पहले से स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है, कुछ नया नहीं पूछा। कुछ क्वेश्चन थे जो काफी नए थे और स्टैटिक जीके, वो जीके में ऐसे बोला, स्टेटमेंट से पूछ रहा था वो, ए बी सी, ए ठीक है, बी ठीक है, ए दोनों ठीक है, इस तरीके। अच्छा, थोड़ा सा मतलब वो ऑप्शन में आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत हो सकता है, ए बी या ए बी सी सही या फुल या ए बी सी डी सारे सही। क्यू आर एस में थोड़ा सा मतलब लेंदी थे, बाकी इजी थे, मतलब टाइम कंज्यूम करने वाले थे, बट क्वेश्चन वैसे नहीं थे कि आप फंस जाएं उसके अंदर। अफेयर में कोई क्वेश्चन नहीं था, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर भाड़ में। एक क्वेश्चन 2021 का था जनवरी का, और बाकी करंट अफेयर में कुछ नहीं था, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर सी वाले क्वेश्चन थे, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कुछ नहीं, कुछ नहीं लग रहा था कि कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस है। बस करंट अफेयर में अर्जुन पुरस्कार पूछा था, द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा था, मैचिंग करना था, इसमें अवार्ड पूछ दिया किसी एग्जाम में, अपॉइंटमेंट पूछ देगा किसी का, कोई भयंकर आदमी किसी का, डायरेक्टर पूछ देगा किसी का, क्वेश्चन स्टैटिक था, स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक था। साइंस के मतलब साइंस के क्वेश्चन कैसे थे, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आती 10th के लेवल की थी, सिंपल साइंस के क्वेश्चन थे, विटामिन से था, विटामिन के क्वेश्चन ए बी सी डी वाले क्वेश्चन। हां साइंस में एक विटामिन से आया था और एक क्वेश्चन बायो में रेजिस्टेंस पे था, रेजिस्टेंस पे था, वी बराबर आई आर के फार्मूले पे था, एक ओम जिसके वैल्यू होंगे रेजिस्टेंस, बहुत ही जीता वो तो आप लोगों का एक बार वर्दी लीजिए, आप लोग इंटरटेनमेंट के फिर से इंटरव्यू यूपीएससी में नहीं लगे तो कोई दिक्कत क्या है, तो निकल ही जाएगा, जब वो निकाल दे तो ये तो निकल ही जाएगा। थैंक यू सर, अभी ये मेरा 2021 का सीजन भी है। अच्छा, वडोदरा एक्साइज इंस्पेक्टर सर, आपका आप मेरा पोस्टल असिस्टेंट है, रेलवे में निकाले हुए हैं, अरे कंपटीशन हाई कर रहे
चलो यार यही है कि दिल्ली में एसओ मिल जाए, हम एनसीआर के बंदे ना, तो मैं यही रीजन मतलब क्या कहते हैं होम स्टेट मिल जाए थोड़ा आसपास, बस इतना ज्यादा नहीं निकाल चुके हैं, आप लोगों को कंपटीशन बढ़ाएंगे, एएसओ मिल जाए सीएसएस में दिल्ली में, तो उसके लिए धीरज धीरज कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया, उसमें इंग्लिश भी बहुत अच्छी आई थी, मोस्टली ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो फंसने वाले क्वेश्चन थे वो पैसेज की थे। अच्छा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ थे? नहीं वैसे ज़्यादा टफ नहीं थे, जो ज़्यादा तैयारी करा आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद 2-3 महीने ज़्यादा तैयारी करी है, ऑलमोस्ट मेरे 40-45 क्वेश्चन पूरे ठीक ही होंगे, एक दो गलत होगा उसके अंदर, और रही उसकी मैथ वगैरह की, मैथ में एकदम क्वेश्चन ऐसा आया था जैसे रीजनिंग वगैरह एकदम रीजनिंग बेस पर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम 5 साल के करें तो वैसे भी निकल जाएगा? नहीं, अगर आप 1 महीने भी तैयारी करो तो मेरे अंदाजे निकल जाएगा, क्योंकि पेपर बड़ा ईजी था, थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी जो चीज़ थी जो कंप्यूटर जो पैटर्न चेंज किया था अभी SSC ने, कि मतलब GS को डाला गया कंप्यूटर को डाला गया, तो वैसा कोई उन्होंने चेंज नहीं किया वैसे पेपर पूछने? अगर आप वो कैप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो यार, नहीं तो मैडम की बुक में से पढ़ रहे हो या किसी मैडम को किसी के बुक में से पढ़ रहे हो, तो ज्यादातर फोकस आपका वो कैप पे ही है, पैसेज वगैरह तो वैसे भी 2 पैसेज आए थे जो 10 नंबर के थे, बाकी जो 35 के करीब जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके वो कैप पे ही थे। सर रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल एकदम आसान था, बस उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा सिटिंग वाले होते जो लेंथी बना देते, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी है 25 से 27-28 क्वेश्चन कोई भी कर देगा। और बिल्कुल नहीं आई है करंट अफेयर, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं, पढ़ना ज्यादा कोई मतलब है नहीं, आता नहीं, आता नहीं है क्योंकि करंट अफेयर मेरे अंदाजे नहीं आया, क्योंकि सारा कुछ वो क्वेश्चन वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर बात है, जो आपने पहले कभी कोई जीके पढ़ी हो उस पर क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। सचिन सचिन कैसा गया? सचिन तेंदुलकर, सचिन कुमार वर्मा, करंट अफेयर आप तो छक्का मार के आओगे या 200 मार के आए, चौका भी लग जाएगा तो भी होता है इस टाइम ना। कैसा गया पेपर? ठीक है, एवरेज गया, मतलब पेपर जिस तरीके से हवा थी कि मतलब क्या कहते हैं, इतना नहीं था, मतलब टीसीएस ने पैटर्न चेंज कर दिया, एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है हो गया ये वाला, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया बेटर, मतलब मैंने 3-4 लोगों का इंटरव्यू लिया तो बोले कंप्यूटर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ हो गया था, कंप्यूटर वाला का मैं ये भी नहीं पता ना कि कितनी क्वालिफाइंग उसका वो है, कितने मार्क्स चाहिए, तो इस वजह से वो टफ लग रहा था, कंप्यूटर आता होगा ना वो भी इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था कंप्यूटर के लेवल, बिल्कुल बिल्कुल डीप नॉलेज के ऊपर डिपेंड था, जो भी मार्क्स दिए हैं उसमें विंडोज 10 के बारे में बताया गया है, इसमें विंडोज पता नहीं क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में पूछ रहे हैं, अब ये कौन कोई तो किसी को नहीं पता, लेकिन ठीक है ऑप्शंस कुछ थे कि हम चूज कर सकते थे ऑप्शन में इजीली, जिसने पढ़ा होता अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा जो बैठता होगा कंप्यूटर पे वो इजीली चूज कर सकता है ऑप्शन, जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता होगा वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट का क्वेश्चन आया था कि अगर कोई सिलेक्टेड प्रिंट देना हो तो कस्टम उसका ऑप्शन था एक, और बाकी आपका जो इनका हाइपरलिंक का क्वेश्चन था, हाइपरलिंक की कौन सी की होती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं तो वो बच्चे ज्यादा देखें, ठीक है मतलब जिसको आता होगा उसके लिए इजी टू एक्सेस, कंप्यूटर पे कोई ध्यान नहीं देता, सब सोचते हैं कि नहीं कर देंगे, कर देंगे वो करने वाली गलती अलग है, एक बार को मैथ वगैरह जितना टाइम उसको दे रहे हो ना कंप्यूटर को भी पूरा फोकस करो, कंप्यूटर में ही यहाँ पे ज्यादातर बच्चे अटक जाए, बच्चा एलिमिनेट होगा अगर होगा तो एलिमिनेट में जो होगा टाइपिंग में। सर रीजनिंग में कह रहे थे कि पीओ लेवल पे जा सकता है, पहली बार में कुछ नहीं किया, एसएससी लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल 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 हम बड़ा लाइट टफ लगेगा। हां लेकिन और मैथ्स में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ थे, मैथ्स में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी, मतलब पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर करके जाए तभी बच्चा आराम से निकाल लेगा, बिल्कुल इजी निकल जाएगा, पढ़ के जाएगा तो मेरा अंदाजा निकाल देगा, तो 5 साल कहते तो 3 महीने में निकाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निकाल देंगे, इंग्लिश है ना, इंग्लिश है ना, उसमें जो पजल्स पूछे ना फॉर एग्जांपल वो टफ थी, इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश इजी थी, ठीक थी, इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्टी थी, जो सिनोनिम मेंटेनेंस थे वो भी इजी थे, एक एडीएम आया था वो भी ठीक ठाक था, बाकी पैसेजेस थे हाँ, लेकिन जो पीके हुए थे वो टफ थे, सबके लिए टफ थे, दो क्वेश्चन आए थे, एक सिनोनिम आया था कोई कोलोसल का, और एक आपका एक और सिनोनिम आया था कोई, मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आया था, और एक्चुअली क्या था ना उसमें जो चीजें पूछी गई थी ना पैसेज के अंदर ही सिनोनिम्स ने एंटोनिम्स पूछा गया था, तीन आए थे, दो ठीक थे, एक लेंथी था, एक लेंथी था, एक लेंथी था, एक क्लोज टेस्ट आया था 4 नंबर का, बस एक एक साइड टफ था, पीक्यूआर वाला टफ तो होंगे, थोड़ा सा निकालने के लिए बच्चों को इतने सारे बच्चे एग्जाम दे, मैंने तीनों छोड़े पीक्यूआर नहीं हुए, थोड़ा टाइम लगता है, सॉल्व नहीं हुए, नहीं सॉल्व, टाइम होता नहीं हुआ, आपने थोड़ा सा
केडी कैंपस वाली बुक पढ़ी हो या आपने इंग्लिश में थोड़ा कर रखा तो इंग्लिश में ये ऐसे कोई हाल हुआ नहीं है। इवन मुझे ये लगता है कि आगे वाले बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा, हम थोड़ा पहले आगे पहले नाम आ गया, हमें ये पता लग गई कि कंप्यूटर बड़ा टफ आ रहा है, वो कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाए। हां वही होता है ना सर, नॉर्मलाइजेशन वही होता ही है, आपका कंप्यूटर है उनका कंप्यूटर इजी आ गया, उनका आप लोगों का रीजनिंग थोड़ा सा वैसा है, उनका रीजनिंग हार्ड आ जाए, रीजनिंग हार्ड आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से पैटर्न से सेम रहेगा, यही रहेगा, इजी पैटर्न रहेगा। वो जो हवा आई थी ना कि पैटर्न चेंज हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतने बच्चे अगर से लग रहा ना मैथ इतनी टफ, जितनी तरीके से आप यूट्यूब पर चल रहा था इतना कुछ भी टफ नहीं था, अगर मतलब कि बच्चा कर पाएगा तो कर लेगा आराम से, पेपर यही लेवल का ही आएगा, तो आप आंख बंद करके कर दोगे। बिल्कुल चलो ठीक है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अगले वाले स्टेज के लिए एकदम आप लोग आइए तो वर्दी लेके फिर से हम इंटरव्यू देंगे। ठीक है।